कितने रुपए लेंगे? 1000 रुपये। बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एक्स्ट्रा क्या होता है? अब जो भी कुछ आप अगर एक्स्ट्रा स्टाफ के साथ छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ मसाज होगी हमारे पास। मतलब कैसे, समझे नहीं? ओनली मसाज ही करवानी है ना। हाँ, और क्या होता है तो मसाज के अलावा? मतलब बहुत सी स्पा में होता है एक्स्ट्रा सर्विस, ये वो फलान डिम्पड़ा वो अंदर होता क्या है। बहुत सी स्पा में क्या होता है? जो भी आप फिजिकल रिलेशनशिप जो भी समझो, हमारे कुछ भी ऐसा होता नहीं है, ओनली बाकी में होता है। तब होता ही होगा, बहुत सी में होता है। यहाँ कस्टमर आते हैं हमारे को, वहाँ मिलता है, ये होता है वो होता है, हमारे नहीं होता। अच्छा, क्या 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 पूछते हैं स्टाफ? क्या बोलो, क्या क्या पूछते हैं आप जो कस्टमर आते हो, क्या क्या पूछते हैं? कस्टमर बोलते हैं कि सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किस कर ले, फलान डिम्पड़ा, ये सब होता है हमारे। इसलिए स्पा सेंटर में होता ही होगा, इसलिए कस्टमर पूछते हैं। तो अपने यहाँ नहीं होता क्या? अपने यहाँ नहीं होता क्या? अच्छा, तो हम एक बार देख सकते हैं अंदर से कैसा होता है, क्या है स्पा अंदर जो है ना, रूम वगैरह ऐसे देखना है हमें। आपको क्यों देखना है वो बोलो? ऐसे देखना है, देखने में तो क्या है मुझे? हम पहले नहीं दिखाते ऐसे कर, मतलब उसमें क्या मना, क्या कारण क्या है नहीं दिखाने का? हमारी मर्जी होती है ना, वो तो क्लाइंट को दिखाई सकते हैं यार, कोई ग्राहक ग्राहक अभी हमारे रूम अंदर पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो जोर जोर से नहीं, आपको सेट हो तो आप देखो ना, कोई देखें, इसलिए तो कह रहे हैं। पहले देखना चाहते हैं, पहले नहीं, पहले दिखाते भी नहीं तो क्यों? तो कस्टमर को क्या बताएगा आपके अंदर रूम बेड कैसा है, क्या नहीं है? बेड है ही नहीं सर हमारे पास, तो नॉर्मल जो होता है तकता हुआ, वो देख ही तो सकते हैं सर। नहीं बताते आपको, बोला ये तो गलत होगा, ये तो गलत बात है ना। जो भी है गलत सही है आपके सामने। अच्छा, नाम क्या है आपका? महेंद्र। कहाँ से हो महेंद्र जी आप? मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से, प्रॉपर झुंझुनू से? झुंझुनू में गांव है। अच्छा, तो ये स्पा किसका है? ये सुनीता जी का। सुनीता जी कौन है? यहाँ बाटाडू के। अच्छा, अब आप बताओ क्या, आप कहाँ से हो, किस से हो? मैं क्लाइंट हूँ भाई, स्पा करवाना है, आप दिखा नहीं रहे हो मुझे, रूम तो दिखाओ क्या है। पहले बताते नहीं है और मसाज कराने तो आप पेमेंट करो। पहले मैं रूम तो देखूंगा ना यार, मेरे को वहाँ एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम पहले नहीं दिखाते, जो पहले दिखाते हैं उनको ट्राई कर लो आप। और भी पहले हमें और कुछ नहीं देखना है ना, मैं देखना तो सिर्फ रूम ही तो है। नाम स्पा का इसका? मेहंदी। अगर किसी गंदगी को साफ करना है तो उस गंदगी में आपको उतरना पड़ेगा, और ये गंदगी खाने जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कई सारे ऐसे काले कारनामे जिनको उजागर करना बहुत ही ज़रूरी है। आज इस बाड़मेर के कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की स्पा सेंटर की आड़ में चल रही वैश्यावृत्ति से इतने परेशान हो चुके हैं, दबी जुबान अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कई शिकायतें करते हैं कि आखिर हम अब करें क्या, हमारे बच्चों की लत ऐसी पड़ चुकी है कि हम उसको बाहर ही नहीं निकाल पाते। लेकिन ये सितारों वालों की सह जो हम आपको हर वीडियो में दिखाते हैं, ये इन सितारों वालों की सह इन पर इतनी है कि ये लोग लगातार अपने मजबूत हौसलों के साथ एक के बाद एक इस प्रकार के गंदगी खाने खोल रहे हैं। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उन सितारों वालों ने इसी तरीके के हमारे अभियान के तरह एक बड़ा अभियान चला करके इस गंदगी खानों को यह नहीं बता दिया कि भाई हमारे इस बाड़मेर की शांत आबो हवा को दूषित करने की जरूरत नहीं है, कहीं ये जन आंदोलन बन गया तो तमाम उन सितारों वालों को ये जरूर समझ आ जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, कल को हमारा बच्चा या हमारा पोता भी इस गंदगी की दलदल में कहीं नहीं चला जाए, ये उनको सोचने पर मजबूर कर देगा।